फुजैरा के लिए निकले हैं। पहले हम लोग लेवान गए थे, गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फुजैरा। क्यों डर रही है? भाई आज हम लोग निकल चुके हैं। मैंने थोड़ा सा लेट व्लॉग चालू किया बिकॉज हम लोग थोड़ा सा एक पर्सनल काम से चले गए थे। तो गाइस हम लोग अब फुजैरा के लिए निकले हैं। पहले हम लोग लेवान गए थे, लेवान से अब हम लोग निकले हैं फुजैरा के लिए। फुजैरा उमल कुइन रासल खेमा हम लोग आपको सब दिखाने वाले हैं। रोड एक बार चेकआउट करा कि हाईवेज यहाँ के होते कैसे हैं। वैसे तो यहाँ पे कभी पैच वॉक चल रहा है तो साइड में ये लेन अभी ऑक्यूपाइड है, बट भाई ये देखो पूरा काम देखो, एक बार में ख़त्म करके निकलेंगे वो लोग अपने या नहीं कि आधा आधा होता है ना, यहाँ पे पूरा एक बार में होता है। अब देखो आप लोग रोड देख लो, ये हाईवे है यहाँ का। हम लोग फुजैरा की तरफ जा रहे हैं और ये जो ये साइड में आपको दिखा ना पोल, ये है कैमरा जो इसको कहते हैं रडार। अगर जैसे 110 की स्पीड से आपकी ऊपर जाएगी तो ये आपको बढ़िया आपका एक मतलब 12 से 13 हज़ार रुपये का एक आपको एक वो देगा आपकी फ़ोटोग्राफ, जो कि आपको लेना पड़ेगा, जिसको फाइन कहते हैं। मतलब बहुत सेक्सी फ़ोटो आता है, मतलब जूम्ड कि आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है कि नहीं लगाई हुई, सब कुछ ऑनलाइन दिख जाएगा। जैसे दिखा वो पोल जो आ रहा है, दिखा उसे, ये देखो ये पोल जो निकल गया ना, इस पोल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये ब्लैक वाले जो पोल है रडार। तो गाइस ये देखो, ये हम लोग दूसरे हत्ता के हाईवे से, हम लोग ये हत्ता के हाईवे से आप लोग देखो डेजर्ट ही डेजर्ट है पूरा हर जगह। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड लिमिट अलग है, यहाँ पे 120 की स्पीड लिमिट है। अब ये जो है, ये जो एग्जिट मोड़ा है यहाँ पे, ये डिब्बा के लिए मोड़ा है। डिब्बा एक जगह है यहाँ पे एमिरेट्स में, तो उसके लिए मोड़ा था ये, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वापस आते में हम लोग डिब्बा से वापस आएंगे। क्या तो हाईवे, यही रेत तोड़ पर आप है। देखो गाड़ी के अंदर अपन एसी में बैठे हैं तो सब अच्छा लग रहा है, पर गाड़ी के अंदर अपन नहीं बैठे ना तो इससे वाहियात कोई जगह नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी है बाहर, कम से कम 45 से 40 डिग्री होगा बाहर गारंटी। और वो भी अपने जैसा गर्मी, अपन लोग के साथ क्या है, अपन लोग गर्मी झेल जाते हैं, बट यहाँ जलने वाली गर्मी है, ये नहीं झेल पाएंगे अपन ये चीज़। गाइस ये हाईवे मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आप देखो एक बार भाई, व्यू दिखाओ भाई लोगों को, सबको व्यू देखो। ओहो पूरे पहाड़, और ये पूरे इतने गर्म पहाड़ है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। अभी आगे एक और माउंटेन आएंगे, वो पूरे ब्लैक रॉक माउंटेन है। डिब्बा साइड जब हम लोग एंटर होंगे तो पूरे ब्लैक रॉक माउंटेन आएंगे, और यहाँ पे से अब ये कंट्री साइड एरिया यहाँ का चालू हो गया। शेख साहब की फ़ोटो है ये, है ना? और आप देखो यार कितना आ गया स्पीड लिमिट, कितना आ गया, 120 भाई। पर क्या व्यू है यार, है विक्रम बहुत शानदार, पूरे में रेत ही रेत है पूरे में। आप दूर तक दिखाओ, दूर तक देखो भाई, कुछ नहीं है, नामो निशान नहीं है यहाँ पे। इधर हम लोग KFC पे आए और एक जगह पेट्रोल पंप्स होते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपको खाने पीने का मिल ही जाता है, तो वहाँ पे हम लोग अभी रुके हैं। KFC पे आए हुए हम लोग, अब कुछ खाते हुए फिर आगे निकलेंगे। एक तो मर चुका है, वैसे भी हमारे साथ लाश ही चलती है एक साथ, जब ये उठा हुआ होगा तो ये सो रहा होगा, जब ये सो रहा और दोनों उठे हुए होते हैं तो दोनों फोन पे होते हैं। फिर भाई गाड़ी तो बहुत बढ़िया है यहाँ पर, चलिए चलो निकले फिर। डन, अब डायरेक्ट फुजैरा ही रुकना है। फुजैरा रुकना है क्या? मैं तो बोल रहा हूँ बहरीन भी चलते ही हैं, देखेंगे वहाँ से कितना किलोमीटर है। फिर ओमान तो वो लेना पड़ेगा, वो तो वीज़ा उन वहाँ पे बाई रोड ही मिल जाता है। अच्छा हाँ, बाई रोड जो वहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं ना, और अपनी गाड़ी ओपन किलोमीटर है तो कोई दिक्कत नहीं है।
साइड में हाईवे है या हम सर्विस लेन है इंडिया की तरह? इंडिया की तरह नहीं है सर्विस लेन, मतलब बहुत अच्छी है ये। इतनी तो हम लोग की हाईवे ही है अभी। पर नितिन गडकरी जी को भाई मैं थैंक यू कहूंगा कि उनकी वजह से रोड बहुत अच्छी हो गई है। काफी रोड, काफी रोड्स बन गए हैं, तो बहुत अच्छे हो गए भाई। अब तो अभी बॉम्बे दिल्ली कनेक्टिविटी हो जाएगी तो बहुत तरह, अगर देखो तो बहुत अच्छे हो गए भाई। हम लोग हाईवे पे मिल चुके हैं और थोड़ा सा ये आउटर साइड है तो यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, बिकॉज यूएई पूरा बन रहा है ना, तो फुजैरा साइड अभी नए नए बनना चालू हुआ है। और आप देख सकते हो ये पूरी यहाँ पे जो दुबई की पावर सप्लाई है ये भी फुजैरा के थ्रू पहले जाती थी, अब वो चीज़ हट गई है यहाँ पे अभी भी। बट वो तार वाला वो जो कनेक्शन होते थे ना आज भी वही चलते हैं। आप साइड में यहाँ पे विक्रम दिखाना है यहाँ पे साइड में, तो ये तार वाले जो भी नेट कनेक्शन जो ये सब कनेक्शन के लिए थे ना आज भी यही चलते हैं। तो यहाँ पे रात में ना बहुत दिक्कत आती है, बट अब तो ये खैर हाईवे बन गया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे अब स्ट्रीट लाइट्स हो गई हैं। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था जब मैं आया था पहले। ये जा रही है भाई पुरानी वाली अपनी फॉर्च्यूनर नेताओं वाली। रामेश को क्या हो गया यार? भाई ये फ्रूट्स की दुकान दिखा, और ये हिम्मत वालों को देख, इतनी गर्मी में पैदल चल रहे हैं, इनको देख। सी के इनसे कुछ विक्रम यहाँ पैदल चलेगा रोज 150-200 किलोमीटर ना? या नहीं सो यार, तू तो 1 किलोमीटर ही चल ले यार, उसके बाद मेरी हालत क्या होगी? अरे तो आना पड़ेगा लेने। नहीं लेने नहीं, नहीं नहीं रात में तो दिखने ही बंद हो जाएगा, पहले तो इतनी गर्मी है क्योंकि अब इतना टैन हो गया ना यहाँ पे। यहाँ पे तो लिटरली बहुत टैन है ना। अरे मेरे तो पूरे हाथ टैनिंग हुए। हाँ तो फेस पे भी नहीं, फेस पे हल्की सी है बट हाथ पे ज्यादा है। बट यहाँ पे लग नहीं रहा वीडियो इतना जस्टिस कर नहीं रही है, जितनी देर धूप आँख खुल नहीं रही है। नहीं नहीं अंदर गाड़ी के अंदर तो खुल रही है भाई, बाहर नहीं खुल रही। आप लोगों को गलत मैसेज मत दो यार, बाहर तो नहीं खुल रही। यार ये व्यू चेक आउट करो यार, मतलब सही में कैमरे में इतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा शायद, बट ये वैसे व्यू इतना प्यारा व्यू लग रहा है ना यहाँ से। देखो अब यहाँ पे तो देखो सनलाइट भी नहीं है, तो यहाँ पे गर्मी का भी कोई वो नहीं है, बट हाँ लू ज़रूर चल रही होगी। आप ये सोचो कि लू नहीं चल रही, यहाँ तो हर जगह लू लपटी है। मतलब प्याज रख के निकलना पड़ेगा, जो लोग बोलते ना अपन देसी में कि प्याज रख के निकलेंगे तो वो नहीं होगी, तो यहाँ पे प्याज रख के निकलो भाई अंदर, जो जो ये सब चीज़ों में मानता है। तो इसके ऊपर कैसे निकल जाती हो तुम मेरे से बिना पूछे? यार ये अपना पैर क्या है इंसाफ नहीं करता। इंडिया में तो क्या अपने आप ही 120 के ऊपर अपने आप चली जाती है ऐसी रोडों को देखते ही भाई। पर कैसा व्यू आ रहा है रामेश? बहुत तगड़ा। अरे हाँ ये तो भोपाल में रहेगा यार। अरे हाँ भोपाल से बाहर कैसे जाओगे आप? आपके अंदर से भोपाल बाहर नहीं जाएगा, आप तो भोपाल से बाहर चले जाओगे। नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाता भाई, कभी भी नहीं जा सकता। हाँ। किसी का भोपाल में रहने वालों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि भोपाल से कितना ही बाहर चले जाओ भोपाल भोपाल है। वेदर के मामले में बेस्ट, सब हर चीज बेस्ट है, सुकून की जगह है बिल्कुल। लोग भी सब अपने बढ़िया, सब शानदार लोग, रॉयल नमक वाली चाय पीते हैं। सही बात है भाई, पर ये व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यार। मतलब ऐसा लग रहा है यूरोप में कहीं किसी कंट्री के बीच में से, वो कैनियंस के बीच में से निकल रहे हैं अपन लोग, और लास वेगास की तरफ जब जाते हैं तो अपन जो ग्रैंड कैनियंस होते हैं ना, बिल्कुल सेम रोड है वैसी, बट उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो है। बट यहाँ पे भी आई गए यार आगे। हमारी गाड़ी के अंदर भी रेडार लगा हुआ है ये, कि कोई नहीं अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी हो तो ऑटोमेटिकली चलाना आएगा। हाँ। यहाँ पे शो होता है पूरा कि किस किस ने पहनी है किसने नहीं। गाइस व्यू यार बहुत, मतलब बहुत ही क्लीन सिटी लग रही है यार ये तो, और भी ज़्यादा है ना। बाजू में एयरपोर्ट, ये बल्दिया का ऑफिस, मतलब सॉरी पुलिस, बल्दिया पुलिस को बोलते हैं यहाँ पे, और पुलिस स्टेशन है ये, और हम लोग बस फुजैरा इंटर ही हो रहे हैं। हाई व्यू है यार,
पहले आया था ना तो यहाँ पे इतनी ग्रीनरी नहीं थी, अब ग्रीनरी ज्यादा है। डायरेक्ट ये वाली रोड पे एंटर होते थे हम लोग, ये वाली। ये है गाइस जो आगे जो सिटी दिख रही है ना वो है फुजैरा। ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, है? खाली है बिल्कुल। हाँ ट्रैफिक भी कमी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा कम है ट्रैफिक। डिवाइडर भी नहीं है, लोग अपने तो डिवाइडर लगेगा भाई, वरना तो लोग एक दिन वहां उस तरफ चलाने लगे। हाँ स्पीड में इधर से ओवरटेक करेंगे भाई, बट जो हवा चल रही है ना बाहर, मैं आपको एक बार ये इसकी खिड़की खोल के दिखाता हूँ। ओहो क्या हवा चल रही है भाई, इतनी तेज हवा है। ये लेफ्ट दिखा, ये हम लोग एंटर हो रहे हैं फुजैरा में, और आप ये देख लो ये यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है फुजैरा में, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है और बहुत ही शानदार वेदर रहता है यहाँ पे। कोई देखो कोई गर्मी नहीं है ज्यादा, वेदर भी अच्छा रहता है यहाँ का, कॉर्निश भी बहुत अच्छा है। और ये जगह मतलब यहाँ देखा जाए तो यूएई की शिमला है भाई, कश्मीर बोल लो, शिमला बोल लो, मनाली बोल लो, ये चीज़। क्योंकि ये भी थोड़ा सा हिल्स पे ही है, व्यू बहुत तगड़े हैं यार यहाँ पे भाई। ये सिटी तो यार दुबई से अच्छी लग रही है। मैं जब आया था थोड़ा सा और कंस्ट्रक्ट भाई, पिजन्स बॉम्बे फीलिंग है ना, मसक्कली भाई। बट सीरियसली यार क्या मौसम हो रही है यार, पीछे चलो इसके। नहीं नहीं आगे चलेंगे ना, अब लेंगे अपन अपना एग्जिट। मॉस तो देख यार, मॉस कितनी अच्छी लग रही है, हैं? बंदे बंदे हो। भाई कितनी प्यारी हो रही है यार, हैं? बहुत सुंदर। लेफ्ट वाला लाने जगह थी। हाँ चल रहे ना वही लगा रहे। बहुत ही प्यारी हो रही है सही में यार। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फुजैरा, और फुजैरा रासल खेमा, ये फुजैरा मतलब पर्सनली मेरा तो फेवरेट ही था वैसे भी। मैं एक बार पहले आ चुका था और वहाँ थोड़ा उस टाइम कंस्ट्रक्ट हो रहा था, बट अब पूरा कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ की एक मॉस्क दिखाता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल मॉस्क है यार, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। गाइस ये देखिए, ओहो कितनी प्यारी मौसम बनी है यार। और यहाँ का वेदर आप देखो, दुबई में लोग सोचते हैं कि अरे गर्मी, यहाँ पे पूरे में मतलब बादल ही बादल हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार बहुत गर्मी लग रही हो और ऐसा कुछ, बट बहुत अच्छी मौसम है यार, मज़ा आ गया भाई। पर एक चीज़ और है कि यार ये प्लेस पे देखो गर्मी लग रही है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। हाँ गाड़ी ठंडी हो गई है ना, गाड़ी की बॉडी बिल्कुल ठंडी हो गई, वही मैं बोल रहा हूँ यार। पीछे मैंने हाथ रखा था तो हाथ जल गया। और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं, मतलब हर किसी को देख के, कोई खुद को देखता है ना आपको तो एक वेव मारते हुए ही जाएगा, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत फ्रेंडली हैं यार, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लोग हैं। अच्छा वेदर है यार, यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, जगह तो वैसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं आप लोग को अभी कॉर्निश पे हम लोग जा रहे हैं, तो कॉर्निश में आप लोग को ले चलता हूँ, देन मैं आपको और भी चीज़ें और दिखाऊँगा। गाइस हम लोग कॉर्निश पहुंच चुके हैं, और आप देखो कॉर्निश पे बढ़िया वेदर हो रहा है, चलें चलो। गाइस ये कॉर्निश का व्यू है, बहुत ही तगड़ा व्यू आ रहा है, और ये हमारी भाई एसआरटी। क्या मौसम है, बढ़िया बिल्कुल भी मतलब गर्मी है ही नहीं है।
बिल्कुल बहुत ही कोजी वेदर है, ना ठंडा है ना गर्म है, बहुत बढ़िया है यार। हाँ यहाँ पे पानी भी मेरे को दिख रहा है, मतलब यहाँ बारिश होती रहती है। वो खाएगा क्या? काले काले रोहन खाता है नहीं यार। अबे रोहन नहीं खाता, तू खाता है। बहुत ही गाइस बहुत ही शानदार व्यू है और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही यार, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है हिल स्टेशन पे आ गए हैं सही में। तो भाई विक्रम भाई तो निकल गए, अभी 5 मिनट में वापस आ जाएगा, ये पैडल वाली है, वो इससे ज़्यादा उसकी स्टैमिना भी नहीं है। ओहो हो गया मैंने क्या बोला था आप लोग को, 5 मिनट और बस, उसके बाद आप ही और साइड आ जाएगा, ये दिखाने के लिए गया है बस भाई। बहुत यार बारिश नहीं होता क्या? मैं सो गया ना पहले। कब हुआ? थोड़ी देर पहले हुआ। थोड़ी देर पहले ही हुआ क्या? जब भी मौसम ठंडा है भाई चला सकते हैं भाई, यहाँ सबको हिंदी आती है तो बिल्कुल भी वो मत होना, तो उसे बोलने वाली बात है, तो लोकल जो होते हैं ना उनको भी बहुत अच्छे से हिंदी आती है। क्यों डर रही है? एक था विंड डीजल, आप हो विंड डीजल, पेडल मार रहे हो। हम लोग जा रहे हैं फुजेरा फोर्ट भाई, ये शेख का घर है, ये साइड वाला, ये जो पूरा चल रहा है ना, ये पूरा घर ही घर चल रहा है उसका, है ना, तो ये जितनी भी बाउंड्री वॉल है ना वो उतना बड़ा घर है वो उसका। ये देखो यहाँ से एंट्री है शायद, नहीं आगे भाई, कितना बड़ा घर है। हाँ ये तो खैर हवेली भी नहीं है, हवेली भी नहीं है, कोठी भी नहीं है, क्या है ये? ये सब लोगों को मिला दो बताओ भाई, सेक्सी हो रही है रेंज रोवर भाई, यहाँ तो सारे ही घर इतने बड़े हैं। वो के अंदर फुटबॉल कोर्ट होगा, क्रिकेट स्टेडियम होगा। हाँ मेरे को भी यही लग रहा है, यही सब होगा भाई। देख लो रोहित भैया के लिए ले चलते वो ये वाला बोल्डर वाला ट्रक, काम आ जाता अपन लोग को। हम लोग जा रहे हैं गाइस फुजेरा फोर्ट, वैसे तो वो गाइस क्लोज होगा 5 बजे, वो क्लोज हो जाता है और हम लोग हो गए यहाँ पे लेट, क्योंकि हम लोग को साइकिल चलानी थी ना, मतलब हमारे विक्रम को साइकिल चलानी थी, तो उसकी वजह से हम लोग लेट हो गए, तो वो तो बंद हो गया होगा, बट तब भी मैं आपको बाहर से तो दिखाई दूंगा कि कैसा क्या है वहाँ पे, कोई शायद एंट्री चार्जेस नहीं है वहाँ के, और बहुत ज़्यादा जगह यहाँ पे और भी जगह चार्जेस हैं, बट उस वहाँ पे तो नहीं है। तो भाई यहाँ यार ये फुजेरा मेरे को दुबई से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ अब ये लोग कमेंट्स में बताएंगे कैसा है। हाँ यार गाइज आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको फुजेरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है या दुबई या भोपाल, वैसे तो भोपाल आ जाएगा उसमें टॉप ऑफ द कमेंट भोपाल। हाँ अब तो यहाँ लेफ्ट हैंड चलाने की आदत हो गई है, अब अपन इंडिया में नहीं चला पाएंगे मेरे को लग रहा है, यहाँ तो बिल्कुल आदत हो गई। ये वाला हाथ जम गया, पहले ये वाला हाथ जमा रहता था अपना, ये वाला हाथ जम गया है पूरा। ये आ गए हम लोग फुजेरा फोर्ट साइड में, हमने तो ग्वालियर का किला देखा है भाई, बहुत बड़ा है वो, ओपन है आई गेस। ओपन है क्या? हाँ देखते हैं, चलो देखें तो कैसा है। रामेश गाइडेंस ऑफिस में पूछ के आए? नहीं नहीं अपन अंदर से ग्राउंड लगा के आ जाते हैं। ओपन है यार, ये लोग तो बोल रहे क्लोज है।
ऑनलाइन लिखा हुआ है भाई ये। भाई वाह यार, बहुत बढ़िया बना हुआ है यार। नहीं फोर्ट्स तो अपने आप ही बहुत अच्छे हैं अबे, पर ये मेंटेन्ड है ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही मेंटेन्ड है ये। वैसे तो पूरा राजस्थान हम लोग का फोर्ट से ही भरा हुआ है इंडिया में तो भाई। आर्ट हाउस गाइस, हम लोग यहाँ फुजैरा फोर्ट पे पहुँच चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया है यार। ये देखो गाइस, ये फुजैरा फोर्ट है और वैसे तो ये क्लोज्ड है, बट हम लोग तो जाके देख रहे हैं। आप ही हो गया ऊपर और चला साइकिल, बढ़िया। एक बार और दिलवा दूँ? नहीं 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 यार, साइकिल तो ले ले यार। नहीं यार विक्रम यार, आप फिर से भागना पड़ेगा। फिर मनाली भाई, वैसे तो हम लोग ये सब चीज़ें देखते रहते हैं इंडिया में भी है, बट यहाँ आउटर सिटी आके देखने का मज़ा ही कुछ और है ना अब्रॉड में भाई। अच्छा है यार फोर्ट, तो भाई ये है एंट्रेंस फुजैरा फोर्ट की। शूटिंग होल्स यहाँ से भाई, गोलियां गोलियां चलती थी। ओह विक्रम, ये लोग पता नहीं कहाँ में। हाँ मतलब प्रिजन ये गार्ड रूम है। ओह ये भाई जेल, पहले जमाने की जो जेल होती थी वो ऐसी होती थी, वायर। मैं अंदर हूँ, पिजन है या क्या है पता नहीं, कुछ तो दिख रहा है मुझे। सांप है क्या पता नहीं यार भाई। हो अंदर गर्मी है, गार्ड रूम, यहाँ पे गार्ड बैठते होंगे बढ़िया। ओके ये देखो, एक ये और एक ये। कहाँ जा रहा है, चलना क्या हुआ, चलाओ साइकिल चलाओ। और अरे ये तो आजा ग्वालियर वाला, चल अंदर अंदर चलना अंदर चलना भैया, ढाक के देख ले। एक मिनट रुको, फ्लैश जलाता हूँ, आगे जा आगे जा। चल चलना, अरे घंटा जाऊंगा। क्यों पागल हो गए हो क्या, क्यों भाई चलना। खुद की भी घूमना हो गई है। अरे चल भाई, मैं तो चल ही रहा हूँ, बोल रहा था मैं तो, डैश ऑन कर लिया है। आजा ऊपर तो आजा भाई। ओके ये यहाँ पे लिखा नहीं है क्या है। ओहो भाई कैसी है यार, अब ले अच्छे से। ये भी शूटिंग एरिया ही होगा भाई इनका, ये तो मैं समझ गया, ये इनका शूटिंग एरिया और ये हमारे कैमरे के लिए शूटिंग एरिया। बढ़िया व्यू,
पूरा फुजेरा यहाँ से दिखता हुआ। फुजेरा ग्रीन है भाई, बहुत ज़्यादा ग्रीन है। ओ ग्रेवयार्ड, भाई हम लोग नीचे उतर रहे हैं। ओहो इस वाली सुरंग में जाएगा क्या? यार छोटी हो गई यार ये बहुत, वरना मैं तो चले जाता, मैं वहाँ घुस नहीं पा रहा। ऐसे यहीं जाके खत्म हो जाता हूँ, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ये गेट है ऐसे ही, और ये कौन सा एरिया भाई? ऐसे ही रूम है ये। ओके कुछ भी नहीं है वैसे तो, सही है। तो गाइज आप देख सकते हो यार थक बहुत जाते हैं यार, कुछ ज़्यादा ही बल्कि। भाई ये वेपन होल्डर जगह थी, यहाँ पे अपने हथियार वथियार रखते थे ये लोग, तोप रखी है। चलती है नहीं चलती है नहीं पता, वैसे तो पुराने ज़माने में चलती होंगी, दो दो तोप रखी हुई है। इन लोगों को तो सही में 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। सलामी रहा है, क्या हो गया इतनी गर्मी में मुझे भी। मेरी हालत देखोगे तो मैं तो यार पूरे, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। ओहो कुछ ज़्यादा ही है यार, पर अच्छी जगह है यार फुजेरा। फुजेरा दुबई से अच्छी लगी मुझे पर्सनली। इसका केला देखने में जो लग रहा है तो बहुत बड़ा होगा, खाना तुम्हें पत्थर पत्थर मार को घुस गया बेटा। हेलो गाइस, फुजेरा फोर्ट से हम लोग निकल चुके हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि वापस दुबई जाके फिर अलेन निकले, क्यों? मैं भी यही सोच रहा हूँ, है ना, क्योंकि अलेन का जो रात को माहौल होता है ना वो बहुत ही तगड़ा होता है यार, बहुत ही तगड़ा। तो अपन एक बार देखते हैं, और अपन यहाँ से फुजेरा से तो निकले, है ना। कुछ खाना है क्या? कुछ नहीं खाना, चलो। पर बहुत खूबसूरत जगह थी, है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार। आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया, मैं तो फुजेरा आया हूँ। रामेश देखो कैसी लगी? अच्छी लगी। चलो गाइस हम लोग निकलते हैं। Face up!